कि उन्नाव मामले में पीड़िता की सुरक्षा में तैनात 3 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि सुरक्षा मानकों में कोताही बरती गई, लापरवाही बरती गई। उन्नाव रेप कांड में पीड़िता को जो सुरक्षा दी गई थी, जो गनर दिया गया था, सुरक्षाकर्मी दिए गए थे, उनमें से 3 को सस्पेंड कर दिया गया है। मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानस, क्या ये एसआईबी की रिपोर्ट के बाद हुआ है? देखिए, चूंकि इस पूरे मामले में आप देख ही रहे कि लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है और सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है, और जो बीजेपी है उन्होंने भी बहुत फटकार लगाई थी कि इस मामले में लापरवाही क्यों बरती गई, क्योंकि इस पूरी एक घटना से बहुत बड़ा सरकार की बदनामी हुई। आप मानस, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, कुलदीप सेंगर जो कि इस मामले में आरोपी है, जेल में बंद है, बीजेपी से निकाले गए। लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि आखिर बीजेपी क्यों बनाए हुए अभी भी कुलदीप सेंगर को, जो कि उन्नाव के बांगड़मऊ से पार्टी के विधायक हैं, क्यों नहीं बीजेपी उसको निकाल रही है। अब ये बड़ी खबर आ रही है, कुलदीप सेंगर को बीजेपी से निकाल दिया गया है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या ऑर्डर पास करता है कि मामला शिफ्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कुलदीप सेंगर बीजेपी से निकाल दिए गए हैं, जो कि रेप मामले में जेल में बंद। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इसमें जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार बढ़ते दबाव का यह फल है? निश्चित तौर पर देखिए, ये एक दबाव था और जिस तरह का आरोप उन पर लगा, जेल में थे, जांच सीबीआई जांच चली रही थी, और ये जिस तरह से सामने आया कि पीड़िता और उनके पूरे परिवार पर जिस तरह से हमला, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको लेकर हर किसी की जो नजरें थी यही बात को लेकर थी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे सेंगर होंगे, क्योंकि जिस तरह से ये दुर्घटना घटी है, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में थे। सीबीआई जांच भी चल रही है, ऐसे में पार्टी के लिए भी जवाब देना मुश्किल हो रहा था। जब पार्टी से भी पूछा जा रहा था कि आखिर पार्टी को कुलदीप सेंगर एक विधायक से इतना प्यार क्यों है कि क्यों नहीं वो पार्टी से निकाल रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है, और आखिरकार वो दबाव काम आया और कि पार्टी ने फैसला लिया है कि कुलदीप सेंगर को पार्टी से निकाल दिया गया है। और मुझे लगता है कि एक फैसला है जो कि बहुत बड़े दबाव के बाद पार्टी को लेना पड़ा है। लेकिन विपक्ष तो ये पूछेगा कि आखिर इतनी देर क्यों की गई, पहले क्यों नहीं निकाला? अब देर है दुरुस्त है, हालांकि पहले भी सीबीआई जांच की चली रही है, उस पर ये सवाल पिछली बार भी हुआ था कि पार्टी उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी के अपने तर्क हो सकते हैं, जो भी हो, लेकिन जिस तरह के का मामला है उनके खिलाफ और जिस तरह से अभी सीबीआई जांच हो रही है, दो दो सीबीआई जांच हो रही है, इसको लेकर पार्टी ने कदम उठाया है, भले ही देर से सही, लेकिन आखिरकार कुलदीप सेंगर के खिलाफ पार्टी ने सख्त कार्रवाई करते हुए पार्टी से निकाल दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित।